ओके थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, आप लोगों ने कल जो देखा था वो अर्लियर हमने जो डिस्कस किया था वो उसमें क्या था, न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो भी जो भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था कल, वो न्यूमेरिकल इवन अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं और जितने न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कराए हैं, वो सारे के सारे लेक्चर न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बट एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको उस क्वेश्चन को लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और ऐसे कई सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। ये चीज़ों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने आपको अभी तक बताया है कि जो टू डी ट्रांसफॉर्मेशन है, टू डी ट्रांसफॉर्मेशन को आज और कल इस वीक में हम टू डी ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूमेरिकल डेरिवेशन को बता चुके हैं। हमने आपको क्या बताया था कि जो टू डी ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली, मतलब टू डी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पाँच टाइप्स के होते हैं। तो फाइव टाइप्स में होते हैं, तो फाइव टाइप्स में क्या क्या आता है। फाइव टाइप्स में बताया था, सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन बताया था, फिर हमने बताया था कि आपको रोटेशन बताया था, रिफ्लेक्शन बताया था, स्केलिंग और सीलिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद उसकी जो मैट्रिक्स डेवलप होती है, मैट्रिक्स जो बनता है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो कभी कभी जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन किसी तरीके से आ जा रहा है कि आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसलेशन के बारे में बताइए, या फिर उसके रिलेशन बताइए, उसका उसकी मैट्रिक्स कैसे डेवलप होते हैं ये पूछ सकता है। और साथ ही साथ में उसी में क्वेश्चन में अटैच रहेगा एक न्यूमेरिकल, जो मैंने प्रीवियसली बहुत कई न्यूमेरिकल लगवाए हैं। ट्रांसलेशन का भी एक न्यूमेरिकल लगवाया है, स्केलिंग के भी लगवाया है, सेविंग के भी लगवाया है, रोटेशन के भी लगाया है, रिफ्लेक्शन के भी लगाया है। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो उसी पैटर्न पे चलते हुए आज भी जो है एक दो न्यूमेरिकल जो है उसको हम लगवाएंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक को मंडे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है कल और परसों के बाद से जब हम बिल्कुल नए टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको पढ़ना है, राइट। तो प्रॉब्लम्स मैं नोट करूँगा, प्रॉब्लम्स जो होगा पहले क्वेश्चन को अभी इसी क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्लिनिकल गाइडेंस, व्हाट आर विजिबल है What are the essential elements? मैं बोल भी रहा हूँ, what are the essential elements of typical CAD-CAM software, typical CAD-CAM software। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन जो है दिया है, पूछ रहा है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टिपिकल CAD-CAM सॉफ्टवेयर। जो टिपिकल CAD-CAM सॉफ्टवेयर है उसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होंगे, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। साथ साथ में दूसरा जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखा है ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज हैविंग वर्टिक्स, इज हैविंग वर्टिक्स, इज हैविंग वर्टिक्स, वर्टिक्स having vertex P 1, 0, Q 10, 3 and R 30, 15. Okay, if the triangle
if the triangle, if the triangle is to be reflected, is to be reflected, to be reflected about arbitrary line y equals to 0.4 x plus 2. Determine the content. Concatenate transformation matrix and coordinate of new vertex of the vertical and coordinates of new vertex of the triangle. New vertex of the triangle. ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा है, आप इसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा. क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन ये, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टिपिकल टैग टैंक सॉफ्टवेयर. उसी में क्वेश्चन अटैच है. मैंने जस्ट बताया, अभी तुरंत बताया मैंने आपको कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज हैविंग वर्टिकस. ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज हैविंग वर्टिक्स. पी 1, 0 थोड़ा दिख नहीं रहा है इतना सा, बट ठीक है, आप मैं पर बोल दे रहा हूँ. पी इक्वल्स टू 1, 0, क्यू इक्वल्स टू 10, 3, आर इक्वल्स टू 30, 10, 15. मतलब पी जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो दिख नहीं रहा है, वो यहाँ देखिए 1, 0, क्यू इज 10, 3 एंड आर इज 30, 15. ये हमारे वर्टेक्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के. ट्राइंगल क्या है? पी क्यू आर है. ठीक है, पर इफ ट्राइंगल इज टू बी रिफ्लेक्टेड अबाउट arbitrary lines y equals to 0.4 x plus 2 and determine the concatenate transformation matrix. Means basically transformation matrix mein find out karna hai, and after that we have to calculate the coordinate of new vertex of the triangle. Hame ye find out karna hai. Theek hai, basically hame ye cheeze find out karna hai. To abhi main usko solve karna shuru karunga. ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जो फोकस करना है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टिपिकल कैड कैम सॉफ्टवेयर. ये हेडिंग पड़ा हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स हैं, सबसे तो पहला पॉइंट्स आएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जामिनेशन आया हुआ है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट होगा सॉफ्टवेयर कैड कैम सॉफ्टवेयर का, टिपिकल कैड कैम सॉफ्टवेयर का, सबसे पहला हो जाएगा द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल controls the basic housekeeping operation
in the subcomputing. फर्स्ट पॉइंट यानी एसेंशियल कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल द बेसिक हाउस कीपिंग ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करते हैं ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है वो है सॉफ्टवेयर पैकेज यूज। सॉफ्टवेयर पैकेज used, software package used for geometric modeling like solid modeling फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल्स द बेसिक हाउसकीपिंग कंप्यूटेशन ऑपरेशन इन द कंप्यूटर, एंड सेकंड वन इज द सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग लाइक सॉलिड मॉडलिंग ओके, एंड द थर्ड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड which includes the program for design analysis and synthesis analysis and synthesis. Basically, आप अगर ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो हमें मिल गया, वो क्या था, कंप्यूटर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टिपिकल कंप्यूटर कैड कैम सॉफ्टवेयर, उसके थ्री पॉइंट्स हैं आपको थ्री पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल द बेसिक हाउसकीपिंग ऑपरेशन इन द कंप्यूटर, एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर पैकेज इज यूज फॉर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग लाइक सॉलिड मॉडलिंग, एंड द थर्ड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड्स द प्रोग्राम फॉर डिजाइन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। बेसिकली ये तीन तरीके के जो हमारा बेसिक एलिमेंट है कैड कैम पिक्चर कैड कैम सॉफ्टवेयर वो ये होगी, जो तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ उसका ये आंसर होगा ठीक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पढ़ना है। अभी न्यूमेरिकल तो सॉल्व करा नहीं हमने ठीक है, तो आप दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़ा कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो है तो वीडियो आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, तो मैं आगे फर्दर बढ़ता रहूँगा, आगे मैं बढ़ती करता हूँ। तो अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सबसे पहले अभी न्यूमेरिकल की बात करें तो जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको हमको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ, ट्रायंगल दिया हुआ, उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो मैं नोट कर देता हूँ, क्या वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, इसे बैठा देता हूँ।
एलिमेंट जो है टू डेटा गिवन इसमें क्या दिया है वाई इक्वल्स टू 0.4 एक्स प्लस बट इन केस इस जो इक्वेशन में क्वेश्चन में गिवन है अगर आप देखें आप लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे दिए हुए हैं क्या है पी वन का मान जीरो क्यू टेन का मान थ्री आर 30.50 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको और ये लाइन दी हुई है ठीक है सबसे पहले हम ये करेंगे जो हमारा लाइन है अगर हम इस लाइन में पुट करते हैं वाई इक्वल्स टू जीरो और देन एक्स वैल्यू क्या होगी पुटिंग इफ पुटिंग वाई इक्वल्स टू जीरो पुटिंग वाई इक्वल्स टू जीरो देन इफ वाई इक्वल्स टू जीरो देन जीरो इक्वल्स टू 0.4 एक्स प्लस टू एंड हियर माइनस टू इक्वल्स टू 0.4 एक्स एक्स इक्वल्स टू हाउ मच 2 डिवाइडेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.4 मींस माइनस 5 ठीक है गेटिंग तो माइनस 5 वहां पे वैल्यू आएगी तो मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ठीक है आप समझ लीजिएगा कैसे करना है अगर हम कह रहे हैं हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 0 और पुटिंग y इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस ठीक है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस सिमिलरली अगर हम पुटिंग x = 0 देन हाउ y टू y का देना अगर हम x = 0 करते हैं y की क्या जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है ये चीज आपको समझना है तो इस तरीके से हमने बेसिकली मतलब क्या है 0 पुट करना और 5 पुट करना मतलब क्या है इनिशियल पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर तो यहां से हम क्या लिखेंगे end points of the line क्या हो जाएगा -5, 0 and -5, 0 and 0, 2 तो end points of the lines are -5, 0 and 0, 2 ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा बट वी हैव स्टिल वी हैव द इक्वेशन लाइन इक्वेशन y = 0.4 x + 2 देन वी हैव m = व्हाट m = 0.4 क्लियर m = 0.4 देन थीटा हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे देन and c = 2 And theta is equal to, m is equal to 10 theta, right? Then theta is equal to what? 10 inverse, m will be 0.4. So my dear, आपके पास calculator होगा, आप वहाँ से theta को क्या करेंगे? Find out कर लेंगे, 10 inverse 0.4 की value क्या होगी वो 0.2 से मिल जाएगी 21.8 degrees, 21.8 degrees. ये आप calculator से मिल कर लेंगे, ठीक है? कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा आपके सामने ठीक है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले लगाएंगे ट्रांसलेटिंग द लाइन जो हमारा सी इक्वल टू क्या है 2 है तो इसमें देखेंगे सबसे पहला जो हमारा आएगा मैट्रिक्स ट्रांसलेटिंग द लाइन बाय -2 यूनिट -2 unit in which direction? In y direction, right? तो अगर y direction में minus two units हम देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि matrix A equals to क्या हो जाएगा? 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, -2, 1. ये first matrix starting in the line by -2 unit in y direction के केस में आ जाएगा सेकंड अगर आप देखेंगे रोटेशन देखेंगे तो रोटेशन रोटेशन ऑफ लाइन y रोटेशन ऑफ लाइन रोटेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 0.4x y इक्वल्स टू 0.4x एक्चुअली
y is equals to 0.4x, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है 0.4x। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेंशन करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाई थीटा। तो माय डियर, तो हमने जब आपको बताया था तो उसमें हमने बताया कि मैं हमें ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को जो फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसमें बात मिला हमने मेरा गिवन लिख लिया है, उसको हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो स्पेस की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अब हमने देखा y इज इक्वल्स टू, तो थीटा है, तो b इज इक्वल्स टू, वहाँ यहाँ की बात हम कहा लेते हैं, यहाँ पर b इज इक्वल्स टू क्या है, कोऑर्डिनेट हमारा कोऑर्डिनेट का x थीटा माइनस थीटा को क्लॉक वाइज, देखो ध्यान रखिए मैंने बताया कि जब एंटी क्लॉक वाइज देंगे तो पॉजिटिव ही क्लॉक वाइज देंगे तो नेगेटिव लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसकी उसके बाद जाएगा माइनस साइन माइनस थीटा जीरो, माइनस साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा जीरो, ओके, जीरो जीरो वन, राइट। तो ये चीजें हो जाएंगी। अभी हमको वेरी पुटअप कर देना है, सिमिलरली वेरी पुटअप कर दो, वेरी इजी, कॉस माइनस 21.8 डिग्री इन साइन माइनस 21.8 डिग्री जीरो माइनस साइन 21.8 डिग्री माइनस कॉस माइनस 21.8 डिग्री जीरो एंड जीरो जीरो वन, ठीक। तो ये जो है ये वैल्यू आएगी, और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि हाँ एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि इसमें बेसिकली आपको करना ये है कि ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से साइन कॉस का या साइन का वैल्यू कैलकुलेटर से आप जो है सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, है ना। तो अगर मैं देखूँ तो वैल्यू जो आएगी निकल के वो क्या आ जाएगी, इसको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन तो है मेरे पास, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, आप अपनी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू अगर मैं आपको कर लूँ, ठीक है, आपने देख लिया, अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू इस स्पेस में बच जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.9284, हमेशा ध्यान रखिए कम से कम 4 डिजिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है परफेक्ट आंसर क्रिएट करने के लिए, गेन करने के लिए, 0.01 ये हो जाएगा 0.37130 0.92, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की जो मैट्रिक्स रिफ्लेक्शन वाली बना रही है, रोटेशन वाली मैट्रिक्स। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 1, लेकिन रिफ्लेक्शन है एक्चुअली वो पांचों ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पांचों ट्रांसफॉर्मेशन हमको यूज करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब हमको पांचों ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के हमको निकालना पड़ेगा। तो टेकिंग रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 जीरो जीरो वन, और ये आ जाएगा माइनस वन, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। जब हम किसी बात करेंगे रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट जब आएंगे
रिफ्लेक्शन वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, इधर हमने निकाल रखा था। फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा ब्रिंगिंग बैक द लाइन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रोटेटिंग थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। यानी मतलब क्या है ब्रिंगिंग बैक, यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे माइनस थीटा रखेंगे वहाँ पे प्लस थीटा रखेंगे। क्लॉकवाइज रहेगा तो थीटा माइनस थीटा में आएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो थीटा पॉजिटिव थीटा में आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू यही रहेंगी लेकिन यहाँ पे माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, वन ही थीटा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, आ जाएगा 0.371300 0.9284 0 and 0 0 1। ठीक है, ये आ जाएगा ब्रिंगिंग बैक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमारा फाइनली जो है फिफ्थ पोजीशन पर हम पहुंचेंगे, वहां पे आ जाएगा ट्रांसलेटिंग बैक इन। देखो एक तो हमने ट्रांसलेटिंग किया वो रोटेटिंग किया, फिर हमने बैक पोजिशन पे गए, फिर हम इसको उसके पहले हमने क्या किया था वो किया था ट्रांसलेशन किया था। अब हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में करेंगे। तो ट्रांसलेटिंग बैक in plus y direction y plus two. So now matrix ka rahega 1 0 0 0 1 0 0 2 1 ye matrix banegi aapki ye matrix बन जाएगी। अब आपको बेटा फाइनल की अगर बात करेंगे हम तो फाइनल रेजिस्टेंट की बात करेंगे, जो आपको अब फाइनली फाइंड आउट करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ रिजल्टेंट मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ अ पॉइंट रिफ्लेक्टेड अबाउट लाइन मैट्रिक्स ऑफ अ पॉइंट reflected by line y equals to 0.4x plus 2। अब बेटा करना ये है आपको मल्टीप्लीकेशन कर देना है सारे एलिमेंट्स का जो भी आपने गेन किया a b c d e। बेटा चीज़ें आसान हैं बट लेंथी हैं, चीज़ें क्या हैं आसान हैं बट लेंथी हैं। अब आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ ए बी सी डी ई की मैट्रिक्स रखेंगे, या तो आप एस रख के मल्टीप्लीकेशन कर दें या एक बार इन दोनों का कर लीजिए फिर इन दोनों का कर लीजिए फिर इन दोनों का कर लीजिए फिर ऐसे कर लीजिए। ये डिपेंड्स ऑन यू कि लेंथी है बट ये कि डिफिकल्ट नहीं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे। अब मैं आगे और आपको कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। आगे जैसे सेवन डिस्ट्रिक्ट ये करने के बाद जैसे आप इसकी वैल्यू गेन करेंगे, आर की वैल्यू गेन करोगे, ठीक है, रिजल्टेंट आप गेन करोगे तो आपको जो फाइनल कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा वर्टेक्स जो निकालना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमने क्या बताया था आपको वर्टेक्स निकालने के लिए हमने बताया था कि जो आपके पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, ठीक है, जो पी क्यू आर दिए हुए थे मैंने बताया था ना आपको एक एक मैंने पॉइंट बताया, मैं बता दे रहा हूँ।
और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सिमिलरली p के साथ भी ऐसे करेंगे तो हमारा p का न्यू कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, q के साथ करेंगे q का न्यू कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, r का करेंगे ऐसे वर्क क्या होगा वर्टेक्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ों को करना है और अपने तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा लेकिन हाँ चीज़ें आसान है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। तो आज आज के इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।